एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे हिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास सेवेंथ चैप्टर नंबर सेवन। आज हम करने वाले हैं जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का फाउंडेशन कैसे हुआ, मुगल एम्पायर कैसे आया, ये हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने विजयनगर एंड बामनी किंगडम्स के बारे में पढ़ा था और उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, डाउनफॉल कैसे हुआ बामनी किंगडम का, वो सब हमने पढ़ा था। उसके एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सो गाइस, सारे चैप्टर्स देखिएगा, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमें ये भी ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल था या नहीं। और आपको कुछ और कंटेंट चाहिए सेवन्थ क्लास का, एट्थ क्लास का, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, एट्थ क्लास की बायोलॉजी हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है, वो भी जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा। ऐसे हम धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स कम्प्लीट कर लेंगे। चलिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स हैं आपके बाबर, हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। इन तीनों के बारे में हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। ऑन द ईव ऑफ द मुगल कन्क्वेस्ट, जब मुगल कन्क्वेस्ट चल रहा था उस शाम को, इंडिया वॉज द पिक्चर ऑफ डिस यूनिटी एंड केओस। इंडिया की जो स्थिति थी वो डिस यूनिटी थी उस टाइम इंडिया में, यानी कि सभी लोग अलग अलग रहने लगे, डिसयूनाइट हो गए थे, बिखर गए थे और केओस मच रहा था, यानी कि अफरा तफरी हो गई थी बहुत ज़्यादा। द पावर ऑफ द सल्तनत हैड बीन रिड्यूस्ड एंड इंडिपेंडेंट किंगडम्स स्प्रैंग अप ऑल ओवर इंडिया। सल्तनत की जो पावर थी वो ख़त्म होती चली गई, रिड्यूस हो गई और इंडिपेंडेंट किंगडम्स पूरे इंडिया में फैल गई। इट वॉज इन सच सर्कमस्टांसिस दैट दौलत खान द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड इब्राहिम लोदीज अंकल इन्वाइटेड बाबर द किंग ऑफ काबुल टू इन्वेड इंडिया। और इन्हीं सर्कमस्टांसिस में, इन्हीं सिचुएशंस में क्या हुआ, दौलत खान जो पंजाब का गवर्नर था और इब्राहिम लोदी का अंकल था, उसने क्या किया, बाबर को इनवाइट किया। बाबर कौन था, काबुल का राजा था, और किसने इनवाइट किया, ताकि वो इंडिया पर इन्वेड कर सके, इंडिया को यानी कि इंडिया पर आक्रमण कर सके, इसलिए उसने उसे इनवाइट किया था। किसने, दौलत खान ने बाबर को। ज़ाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर वॉज बॉर्न इन 1483 CE। ज़ाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम था ज़ाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर, उसका जन्म 1483 CE में हुआ था। बाबर वॉज रिलेटेड टू तिमूर थ्रू हिज फादर एंड टू चंगेज खान थ्रू हिज मदर एंड वॉज देयर फॉर प्राउड ऑफ हिज एंसेस्ट्री। बाबर जो था वो तिमूर से रिलेटेड था, अपने फादर के थ्रू जुड़ा हुआ था उससे, ठीक है, और चंगेज खान से जुड़ा हुआ था अपनी मदर के थ्रू, और इसी वजह से वो अपनी एंसेस्ट्री का यानी कि अपने पूर्वजों पर बहुत प्राउड फील करता था। बाबर वॉज ओनली 11 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही इनहेरिटेड द थ्रोन एट फरगाना इन 1949 CE। बाबर जो था वो सिर्फ 11 साल का था जब उसे फरगाना का सिंहासन मिला 1494 CE में। ही कंक्वर्ड समरकंद व्हेन ही वॉज 14 ईयर्स ओल्ड, और जब वो 14 साल का हुआ तो उसने समरकंद को कंक्वर कर दिया, हरा दिया। बट इन नो टाइम ही लॉस्ट बोथ द टेरिटरीज, लेकिन थोड़े ही टाइम में उसने अपनी दोनों टेरिटरीज को लॉस्ट कर दिया, गवा दिया, ठीक है। कौन सी टेरिटरीज, फरगना वाली और समरकंद वाली। एज ही वॉज एन एम्बिशियस मैन, अब वो एक एम्बिशियस मैन था, एम्बिशियस होता है जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स हों, ठीक है। ही वॉज डिटरमाइंड टू मेक हिज मार्क इन हिस्ट्री, वो इतना डिटरमाइंड था, वो ये चाहता था कि अपनी एक निशानी छोड़े हिस्ट्री में। ही डिड सो बाय फाउंडिंग एन एम्पायर इन इंडिया नोन एज द मुगल एम्पायर, और इसने ऐसा करके इतिहास में अपना नाम छपवा दिया, क्या करके, मुगल एम्पायर को इंडिया में सेटअप करवा के, ठीक है। बाबर केम टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। बाबर ने दिल्ली का सिंहासन अपने अंडर कर लिया, कब, जब उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो 1526 में हुआ था। ये बाबर की फ़ोटो दिखाई हुई है आपको यहाँ पर। बाबर CE 1526 से 1530 तक रहा वो, शासन किया उसने। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था। बाबर एंड इब्राहिम केम फेस टू फेस एट पानीपत इन 1526। बाबर और इब्राहिम आमने सामने आए, ठीक है, पानीपत में 1526 में। द आर्मी ऑफ द लास्ट दिल्ली सुल्तान वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाई द सुपीरियर वॉर टैक्टिक्स ऑफ द मुगल आर्मी। लास्ट दिल्ली सुल्तान की जो आर्मी थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, इब्राहिम लोदी की जो आर्मी थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि मुग़ल आर्मी की जो टैक्टिक्स थी, जो टेक्निक्स थी युद्ध करने की, उसकी वजह से उनकी आर्मी हार जाती है सुल्तान की, ठीक है। बहुत ही सुपीरियर टैक्टिक्स थे उनकी वॉर के, मुग़ल आर्मी के, इसीलिए लास्ट दिल्ली सुल्तान जो था उसकी आर्मी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है,
देखिए आपको एक मैप दिखाया हुआ है जिसमें पूरी ये जो ग्रीन एरिया है सारा ये एक्सटेंट है, एम्पायर है किसका, बाबर का एम्पायर है पूरा ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, देयर वर सेवरल रीजंस फॉर बाबर्स विक्ट्री एट पानीपत, बहुत सारे रीजंस ऐसे थे जिस वजह से बाबर जीत जाता है पानीपत की लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वो जीत जाता है बाबर इब्राहिम से। क्यों जीत जाता है, बाबर हैड यूज्ड आर्टिलरी विच वॉज अननोन टू द इंडियंस, बाबर ने आर्टिलरी का यूज़ किया था, आर्टिलरी यानी बहुत लार्ज गन्स जो होती हैं, बड़ी बड़ी गन्स का यूज़ किया था जो इंडियंस को, जिनके बारे में पता भी नहीं था। हिज आर्मी वॉज बेटर ट्रेंड देन द सुल्तान्स आर्मी, और बाबर की आर्मी बेटर ट्रेंड थी एज़ कम्पेयर टू सुल्तान्स आर्मी, एंड हिज कैवलरी, कैवलरी होती है जो घुड़सवार सेना होती है जो घोड़े पर बैठकर क्या करती है, युद्ध करती है। हिज कैवलरी वॉज फॉर सुपीरियर टू द इंडियन कैवलरी, और उसकी कैवलरी भी बहुत अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू इंडियन कैवलरी। ही ऑल्सो टुक ओवर आगरा विच वॉज मेड द कैपिटल, उसने आगरा को भी अपने अंडर कर लिया था जो उसने कैपिटल बनाई थी अपनी। ऑन अप्रैल 27 अप्रैल को 1526 में ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, और 27 अप्रैल 1526 में उसने अपने आप को हिंदुस्तान का राजा घोषित कर दिया। बट द विक्ट्री एट पानीपत डिड नॉट मेक बाबर द मास्टर ऑफ इंडिया, लेकिन पानीपत की लड़ाई जीत कर बाबर इंडिया का मास्टर नहीं बन पाया। अफगान नोबल्स एंड द राजपूत्स वर नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट हिज ओवर लॉर्डशिप, जो अफगान नोबल्स थे और राजपूत्स थे, ठीक है, अफगान नोबल्स यानी कि अफगान के जो लोग थे और राजपूत थे, वो इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे कि उसकी ओवर लॉर्डशिप को, यानी कि हैविंग ग्रेट पावर, तो उसकी ज़्यादा ताकत को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। सो बाबर फॉट मोर बैटल्स टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन, इसीलिए बाबर ने और युद्ध कर लड़े जिससे उसकी पोजीशन को वो कंसोलिडेट कर सके, यानी कि अपनी पोजीशन को वो फिक्स कर सके, पक्का कर सके, इसीलिए ताकि लोग उसकी लॉर्डशिप को एक्सेप्ट करें, इसीलिए उसने और ज़्यादा युद्ध करे ताकि अपनी पोजीशन वो उनके सामने क्या कर सके, पक्की बना सके। आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई होने के बाद बाबर्स आर्मी वॉज रिलक्टेंट टू टेक पार्ट इन फर्दर बैटल्स, रिलक्टेंट मीन्स होता है अनविलिंग। जब वो पहला युद्ध हुआ पानीपत का, उसके बाद बाबर की आर्मी ने मना कर दिया कि अगले युद्ध हम नहीं लड़ेंगे, उनकी इच्छा नहीं है, अनविलिंग यानी कि उनकी इच्छा नहीं है, अब बाबर की आर्मी ने मना कर दिया। बाबर वॉन ओवर हिज सोल्जर्स बाय एन इम्प्रेसिव एंड इंस्पायरिंग स्पीच, अब बाबर की आर्मी ने मना कर दिया कि हम आगे की लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, तो बाबर ने एक इम्प्रेसिव और इंस्पायरिंग स्पीच दी जिसकी वजह से उसके सोल्जर्स आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है, वो स्पीच भी हम देखेंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का एक सीन दिखाया हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, उसने क्या कहा था अपनी स्पीच में, अ माइटी एनिमी हैज़ बीन ओवरकम एंड अ रिच एंड पावरफुल किंगडम इज एट अवर फील, एक छोटे से दुश्मन को हमने हरा दिया है और एक बहुत ही रिच और पावरफुल किंगडम हमारे पैरों में पड़ा है, यानी कि वो क्या करना चाह रहा था, ही ट्राइड टू रीजन आउट विद देम एंड आस्क देम इफ इट वॉज सेंसिबल टू टर्न बैक व्हेन द गोल ले इन फ्रंट ऑफ देम, वो उनसे ये कहना चाहता था कि उनका जो मकसद था वो पूरा हो चुका है, अब उनसे ये उसने ये पूछा कि ये क्या ये सेंसिबल बात है कि हम जब हमारा गोल जो हमारा मकसद है वो हमारे सामने पड़ा है और हम वापस चले जाएं। ही ऑल्सो ब्रॉक हिज वाइन ग्लास एंड गेव अप वाइन, और उसने अपना वाइन का ग्लास भी तोड़ दिया और वाइन भी छोड़ दी। ही वॉज सक्सेसफुल एज ए सोल्जर्स बिकेम इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड एंड एग्रीड टू मार्च अहेड, और वो इस अपने काम में सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि उसके सोल्जर्स जो हैं वो इंस्पायर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और वो सहमत हो जाते हैं कि वो आगे मार्च करेंगे, यानी कि आगे लड़ाई लड़ेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। अगला युद्ध था उसका बैटल ऑफ खानवा, 1527 में हुआ था। राणा संगा ऑफ मेवाड़ लीडर ऑफ द राजपूत मार्च टूवर्ड्स आगरा विद अ लार्ज आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ राजपूत एंड अफगान्स, राणा संगा मेवाड़ के थे, ठीक है, राजा थे जो राजपूत के लीडर थे, वो आगरा की तरफ मार्च करते हैं बहुत बड़ी आर्मी लेकर, उनकी आर्मी में राजपूत और अफगान्स भी थे। द मुगल आर्मी मेट दी राजपूत आर्मी इन अ फायर्स बैटल एट खानवा ऑन 16 मार्च 1527, मुगल आर्मी राजपूत आर्मी से मिलती है एक फायर्स बैटल में, एक बहुत ही भयंकर बैटल में मिलती है जो खानवा में होता है 16 मार्च 1527 को होता है, ठीक है। द राजपूत फॉट वैलियंटली, वैलियंटली यानी कि बहुत करेज के साथ, राजपूत ने बहुत करेज के साथ लड़ाई करी, ठीक है, बहुत हिम्मत से ब्रेवली बहुत अच्छे से लड़े, बट वर रूटेड, रूटेड यानी उन्हें हरा दिया जाता है लेकिन, ठीक है। द राजपूत्स कुड नॉट मैच द एडवांस्ड आर्टिलरी एंड स्विफ्ट कैवलरी ऑफ मुगल्स, राजपूत क्यों हार जाते हैं, क्योंकि राजपूत जो थे मुगल्स की जो एडवांस्ड
लार्ज गन्स थी और उनकी जो कैवेलरी थी उससे मैचिंग नहीं कर पाए, उसे हरा नहीं पाए. बाबर दस बिकेम दी अनडिस्प्यूटेड मास्टर ऑफ नॉर्थन इंडिया. इसलिए बाबर जो है नॉर्थन इंडिया का अनडिस्प्यूटेड मास्टर बन जाता है. अनडिस्प्यूटेड मास्टर यानी उसे कोई नहीं हरा सका नॉर्थन इंडिया में. नेक्स्ट बैटल ऑफ खानवा के बाद आता है बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में. द बैटल ऑफ खानवा क्रिपल्ड दी पावर ऑफ द राजपूत्स बट डिड नॉट क्रश देयर स्पिरिट. बैटल जो हुआ था खानवा में उससे राजपूत की पावर तो क्रिपल हो गई, क्रिपल्ड यानी डैमेज तो हो गई, लेकिन उनकी जो स्पिरिट थी, उनका जो जोश था, वो क्रश नहीं हो पाया, वो ख़त्म नहीं हो पाया. बाबर मार्च अगेंस्ट चंदेरी विच वॉज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द राजपूत. राजपूत का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, एक स्ट्रॉन्ग लीडर था, ठीक है, चंदेरी. तो बाबर ने उसके अगेंस्ट भी मार्च किया, ठीक है, युद्ध किया. ऑन 29 जनवरी 1528 बाबर्स आर्मी कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ चंदेरी. 29 जनवरी 1528 को बाबर की जो आर्मी थी उसने चंदेरी के किले को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया. आफ्टर दिस बैटल नो राजपूत रूलर कुड चैलेंज बाबर्स अथॉरिटी. और ये वाला बैटल होने के बाद, चंदेरी का बैटल होने के बाद, कोई भी राजपूत रूलर उसे चैलेंज नहीं कर सका. किसे? बाबर की ताकत को चैलेंज नहीं कर सका, वो इतना ज़्यादा पावरफुल था बाबर, ठीक है. इसके बाद आता है आपका बैटल ऑफ घाघरा. बैटल ऑफ चंदेरी के बाद आता है आपका बैटल ऑफ घाघरा. आफ्टर द राजपूत थ्रेट वॉज ओवर, राजपूत का जब डर खत्म हो गया, है ना, देखा ना, बैटल ऑफ चंदेरी के बाद कोई भी राजपूत रूलर नहीं आया, तो उसके बाद बाबर हैड टू फेस द अफगान फोर्सेज ऑन द बैंक्स ऑफ घाघरा. घाघरा के किनारे पर अफगान फोर्सेज को फेस करना था उसे, अफगान लोगों को उनसे फेस करना था बाबर को. बाबर्स आर्मी डिफीटेड अफगान्स ऑन 6 मई 1529. बाबर की आर्मी ने अफगान्स को हरा दिया 6 मई 1529 को. बाबर डाइड इन सी ई 1530. बाबर 1530 में मर जाता है. आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन हुमायूं. और उसके सक्सेसर कौन आता है उसके बाद, उसका सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम था हुमायूं, ठीक है. अब आगे बढ़ने से पहले ये पैराग्राफ पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू अ वेल नोन लीजेंड, एक बहुत ही अच्छे लीजेंड के द्वारा क्या बताया गया है, बाबर्स सन हुमायूं फेल सीरियसली इल एंड देयर वॉज नो होप ऑफ हिज सर्वाइवल. हुमायूं जो था उसका बेटा, बाबर का बेटा जो था हुमायूं, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और उसकी कोई आशा नहीं थी कि उसके कोई चांसेस नहीं थे कि वो जिंदा रह पाएगा. इट वॉज एट दिस टाइम दैट, इस टाइम पर बाबर ने क्या किया था, बाबर इज बिलीव टू, बाबर ने ही हैव वॉक्ड 3 times राउंड द बेड ऑफ हिज सन हुमायूं. और वो उसने क्या किया था, हुमायूं जहाँ जिस बेड पर लेटा था उसका बेटा, उसके चारों तरफ 3 बार वॉक किया, 3 बार जैसे परिक्रमा लगाते हैं ना, ऐसे किया. एंड प्रेइंग टू गॉड टू ट्रांसफर द लेटर्स इलनेस टू हिम. और उसने भगवान से ये प्रार्थना करी कि अब लेटर्स इलनेस यानी मेरे बेटे की जो बीमारी है, लेटर्स यानी पहले की जिसकी बात हो रही है, हुमायूं की बीमारी मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए. किसे? बाबर को. इट इज़ सेड दैट हुमायूं कंडीशन इम्प्रूव्ड. ये कहा जाता है कि हुमायूं की कंडीशन तो ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद तुरंत बाबर बीमार पड़ जाता है. एंड ही वॉज गिवन द बेस्ट ट्रीटमेंट बट नो इम्प्रूवमेंट कुड बी सीन. और उसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिया गया था, लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं देखा गया. फाइनली बाबर ब्रेथड हिज लास्ट एट द एज ऑफ 48. बाबर ने आखिरी सांस 48 की एज पर ली, ये माना गया है, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे बाबर के अचीवमेंट्स क्या क्या थे, उसने क्या क्या हासिल किया. बाबर वॉज अ ग्रेट जनरल एंड अ ग्रेट मिलिट्री जीनियस. ही कमांडेड ग्रेट रेस्पेक्ट अमंग हिज सोल्जर्स. बाबर बहुत बहादुर इंसान था, ठीक है, और उसकी बहुत ही अच्छी मिलिट्री थी. उसने अपने पूरे सोल्जर्स को बहुत रेस्पेक्ट के साथ रखा था. दो ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम. ऑर्थोडॉक्स होता है किसी भी एक धर्म के प्रिंसिपल्स को, जो उनकी प्रथाएं हैं उसमें विश्वास रखना. तो वो एक सुन्नी मुस्लिम था. ही वॉज नॉट अ फैनेटिक. वो फैनेटिक नहीं था, ठीक है, ऐसा नहीं था कि जिसके कुछ रिलीजियस आइडियाज़ होते हैं खुद के. ही डिड नॉट अलाउ द उलेमा टू इन्फ्लुएंस हिज डिसीजन. और उसने उलेमाज़ को भी अलाउ नहीं किया था कि उसके डिसीजन, जो भी वो डिसीजन ले रहा है, उस पर कुछ इफेक्ट डालें. ही वॉज अ गिफ्टेड पोएट एंड ऑथर. ही हैड वेरीड इंटरेस्ट. ही लव्ड म्यूजिक एंड प्लेड द गेम ऑफ पोलो. वो एक बहुत अच्छा पोएट और ऑथर था. उसके बहुत सारे अलग अलग तरह के इंटरेस्ट थे, बहुत सारे काम करता था अलग अलग तरह की, जैसे फैशन, वो होता है ना हमारे हॉबीज ऐसे. और उसे म्यूजिक सुनना पसंद था और पोलो गेम भी खेलना उसे पसंद था. किसे? बाबर को. ही ऑल्सो अप्रिशिएटेड नेचर एंड लेड अ नंबर ऑफ गार्डन्स एंड प्लांटेड मैनी ऑर्किड्स. उसने बहुत नेचर को भी अप्रिशिएट किया और बहुत सारे गार्डन्स बनवाए और बहुत सारे ऑर्किड और चार्ट्स को क्या करवाया, प्लांट करवाया, ठीक है. द गार्डन्स ऑफ आगरा, धौलपुर, सिकरी वर क्रिएटेड बाय बाबर. ये सभी गार्डन्स बाबर ने क्रिएट करवाए थे. हिज ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी क्या होता है?
एक ऐसी बुक जो किसी ने अपने बारे में, अपनी खुद की जिंदगी के बारे में लिखी हो। उसकी ऑटोबायोग्राफी थी तुजुक आय बाबरी, जिसे बाबरनामा भी बोला गया। इट इज़ रिगार्डेड एज एन एक्सेलेंट लिटरेरी वर्क ऑफ द 16th सेंचुरी। ये जो उसने बाबरनामा अपनी किताब लिखी थी अपने जीवन के ऊपर, उसकी 16th सेंचुरी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लिटरेरी वर्क का, जो टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था। अ न्यू फॉर्म ऑफ वेलफेयर वारफेयर वेयर आर्टिलरी एंड कैवलरी वर यूज टुगेदर इन वॉर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बाबर। बाबर ने एक नए तरह के युद्ध की फॉर्म को डेवलप किया था, जहाँ पर आर्टिलरी और कैवलरी दोनों तरह की जो टेक्निक्स हैं उन्हें यूज़ किया जाता था युद्ध में, वो भी इंट्रोड्यूस किया। इट वॉज ही हु बाय हिज ब्रेवरी एंड विजडम लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। वो ही था, बाबर ही था, जिसने अपनी बहादुरता से और विजडम यानी समझदारी से मुगल एम्पायर की फाउंडेशन को इंडिया में स्थापित किया। ये उसके कुछ अचीवमेंट्स थे बाबर के। बाबर की डेथ हो गई, उसके बाद आता है हुमायूं, जिसने 1530 से 1540 तक शासन किया, उसके बाद 1555 से 1556 तक किया। बाबर्स एल्डेस्ट सन, बाबर का सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम था नसीरुद्दीन, अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ हुमायूं। उसे बाद में हुमायूं नाम मिलता है, पहले उसका नाम क्या था नसीरुद्दीन, हुमायूं उसे बाद में नाम मिलता है जिसका मीनिंग होता है फॉर्चुनेट, किस्मत वाला। व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन इन सीई 1530, जब 1530 में उसे सिंहासन मिलता है तो उसे हुमायूं नाम भी मिलता है साथ में। आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन हुमायूं फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय राइवल्स। और थ्रोन हासिल करने के बाद हुमायूं ने देखा कि उसके विद्रोहियों ने उसे घेर लिया है। द अफगान्स एंड राजपूत स्टिल चेरिश द होप ऑफ ड्राइविंग द मुगल्स अवे। अफगान्स और राजपूत्स में फिर भी तब भी ये आशा थी, वो ये सोचते थे कि मुगल्स को वो लोग भगा देंगे। बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात एंड मालवा वॉज एक्सटेंडिंग हिज टेरिटरीज। बहादुर शाह जो गुजरात और मालवा का रूलर था, वो भी अपनी टेरिटरीज को बढ़ा रहा था। शेर खान द अफगान रूलर ऑफ बिहार हैड एम्बिशंस ऑफ बिकमिंग द सुल्तान ऑफ दिल्ली। शेर खान जो बिहार का अफगान रूलर था, उसके भी स्ट्रॉन्ग एम्बिशंस थे, उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि वो दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था। बिसाइड्स ये तो बाहर से उसके एनिमीज थे। हुमायूं ऑन ब्रदर्स, हुमायूं के खुद के भाई जिसका नाम था कमरन, हिंदल एंड अस्करी वर हॉस्टाइल टूवर्ड्स हिम। वो उसकी तरफ हॉस्टाइल थे, यानी कि उसके अगेंस्ट थे उसके भाई भी। दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर पार्ट्स ऑफ टेरिटरी एंड वॉन्टेड सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द थ्रोन ऑफ दिल्ली। वो अपने पार्ट्स जो उसे टेरिटरी के उसके भाइयों को हुमायूं ने अपने पार्ट्स दिए थे अपनी एम्पायर के, उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं थे और वो चाहते थे कि दिल्ली का जो बड़ा सिंहासन है वो उन्हें मिल जाए और सुप्रीम अथॉरिटी यानी कि सुप्रीम पावर्स उन्हें मिल जाए। फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट हिम वॉज कमरन, उन्होंने उसके भाइयों ने भी युद्ध किया उनके खिलाफ, हुमायूं के खिलाफ। तो उसका पहला खिलाफ कौन लड़ा सबसे पहले, कमरन। रिवॉल्ट्स ब्रोक कन आउट इन बुंदेलखंड जौनपुर एंड बिहार। जो कमरन ने उससे युद्ध किया हुमायूं से, वो रिवॉल्ट्स हुए बुंदेलखंड में, जौनपुर में और बिहार में। हुमायूं वॉज एबल टू सप्रेस द रिवॉल्ट्स पार्शली। हुमायूं इन वाले रिवॉल्ट्स को पार्शली सप्रेस कर पाया, थोड़े से ही दबा पाया। व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज़ दैट बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात हैड रिवॉल्टेड, थोड़े से ही दबा पाया था, फिर उसे एकदम से न्यूज़ आ जाती है कि बहादुर शाह जो गुजरात का रूलर है उसने रिवॉल्ट कर दिया है, उसने युद्ध कर दिया है। ये था हुमायूं के बारे में, उसकी मिलिट्री एक्सपीडिशंस देखने हैं उसने मिलिट्री में क्या क्या किया। हुमायूं मार्च अगेंस्ट बहादुर शाह ऑफ गुजरात एंड डिफीटेड हिम इन सी 1535। जब उसे बहादुर शाह की खबर मिली कि उसने रिवॉल्ट कर दिया है, तो वो उसके अगेंस्ट जाता है ठीक है, और उसे 1535 में हरा देता है। बट ही फेल टू डिटेन गुजरात, लेकिन वो गुजरात को अपने अंडर नहीं कर पाया। मीन वाइल और उसी टाइम पर शेर खान टुक एडवांटेज ऑफ हुमायूं प्रेजेंस इन गुजरात एंड स्ट्रेंथेंड हिज पोजिशन इन बंगाल एंड बिहार। शेर खान ने हुमायूं की प्रेजेंस, हुमायूं गुजरात में था तो उसकी प्रेजेंस का शेर खान ने क्या करा, फ़ायदा उठाया और अपनी पोजीशन बंगाल और बिहार में बिठा ली। हुमायूं मार्च अगेंस्ट हिम सी 1538। हुमायूं उसके अगेंस्ट 1538 में आता है और चुनर ले लेता है, चुनर एरिया। शेर खान अटैक दी मुगल आर्मी सडनली एट चौजा इन 1539 एंड डिफीटेड हुमायूं आर्मी। शेर खान ने अचानक से मुगल आर्मी पर अटैक कर दिया चौजा एरिया में 1539 में और हुमायूं की आर्मी को हरा दिया शेर खान ने। सो शेर खान बिकेम द रूलर ऑफ बंगाल एंड बिहार एंड रिज्यूम्ड द टाइटल ऑफ शेर शाह। शेर खान जो था फिर बंगाल और बिहार का रूलर बन जाता है और शेर शाह उसे टाइटल मिल जाता है। हुमायूं पोजीशन वो बिकेम वेरी वीक आफ्टर द डिफीट एट चौजा। चौजा में
हारने के बाद हुमायूं की पोजीशन बहुत वीक पड़ जाती है. हिज ब्रदर कमरन हु हैड अ बैटल हार्डन्ड फोर्स ऑफ 10,000 मुगल सोल्जर्स, उसका जो भाई था कमरन उसकी बैटल हार्डन्ड फोर्स थी 10,000 मुगल सोल्जर्स की. बैटल हार्डन्ड यानी जिसका एक्सपीरियंस रहा हो बहुत सारे बैटल्स लड़ने में, तो उसे बोलते हैं बैटल हार्डन्ड. उसकी फोर्स थी 10,000 मुगल सोल्जर्स की. उसने भी उसकी हेल्प नहीं करी और लाहौर वापस चला गया. बट हुमायूं हैज स्टिल रीअसेंबल्ड हिज आर्मी एंड मार्च अगेंस्ट शेरशाह. लेकिन हुमायूं ने जल्दी अपनी आर्मी को रीअसेंबल कर लिया, फिर से अरेंज कर लिया और शेरशाह के अगेंस्ट फिर से चला जाता है. द बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में हुआ था बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह. किसके बीच में हुआ था बैटल ऑफ कन्नौज? हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था. वॉज बिटरली कॉन्टेस्टेड, यानी कि उनमें भी बहुत युद्ध हुआ. हुमायूं यंगर ब्रदर्स, हुमायूं के जो छोटे भाई थे दोनों अस्करी और हिंदल, फाउट वैलियंटली बट हुमायूं लॉस्ट दी बैटल. वैलियंटली यानी ब्रेवली. अस्करी और हिंडल उन दोनों ने भी हुमायूं के अगेंस्ट युद्ध कर दिया, लेकिन हुमायूं जो है युद्ध को हार जाता है. फिर क्या बोल रहा है, शेरशाह ऑक्यूपाइड दी थ्रोन एट दिल्ली. और शेरशाह सूरी भी क्या, शेरशाह ने क्या कर लिया, दिल्ली में अपना थ्रोन, अपना सिंहासन जमा लिया. हुमायूं लॉस्ट हिज थ्रोन, हुमायूं ने अपना सिंहासन खो दिया. ही वांडर्ड टू राजस्थान एंड सिंध, वो राजस्थान और सिंध में जाता है. सिंस ही डिड नॉट गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम हिज ब्रदर्स, हुमायूं लेफ्ट फॉर पर्शिया. अब राजस्थान और सिंध में जब उसके भाई रहते थे तो उनसे कोई उसे सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हुमायूं पर्शिया की तरफ चला जाता है. ही गैदर्ड अ पर्शियन फोर्स, अब वो अपनी एक पर्शियन फोर्स बनाता है एंड रीकन्क्वर्ड काबुल एंड कंधार इन CE 1545. और काबुल और कंधार को 1545 में रीकन्क्वायर कर लेता है, अपने अंडर कर लेता है. मीनवाइल शेरशाह डाइड इन CE 1545. और इसी टाइम पर शेरशाह 1545 में ही मर जाता है. शेरशाह सक्सेसर वर वीक एंड इनएफिशिएंट, शेरशाह के जो सक्सेसर्स आए थे ठीक है वो बहुत कमज़ोर थे और इनएफिशिएंट थे, यानी कि कैपेबल नहीं थे, वो युद्ध नहीं कर पाए ना ही अपनी एम्पायर को संभाल पाए. इन 1555 CE में क्या हुआ, हुमायूं रिकवर्ड दिल्ली एंड बिकेम एम्परर अगेन. हुमायूं ने दिल्ली को फिर से अपने अंडर कर लिया और वो फिर से राजा बन जाता है. However, he did not live long to enjoy it as he died in CE 1556 in an accidental fall from his library's staircase. लेकिन जब वो फिर से 1555 में अपना राजा बन जाता है तो वो उस लाइफ को फिर से इंजॉय नहीं कर पाया, ज़्यादा लंबा नहीं जी पाया, क्योंकि वो CE 1556 में ही मर जाता है. एक साल के अंदर वो मर जाता है. कैसे मरता है, वो लाइब्रेरीज, अब उसकी जो लाइब्रेरी थी उसके स्टेयर केस, यानी कि उसकी सीढ़ियों से वो अचानक से गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है. हुमायूं सिस्टर गुलबदन बेगम रॉट अ बायोग्राफी ऑफ हुमायूं कॉल्ड हुमायूं नामा. हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, जिसने बायोग्राफी लिखी हुमायूं के ऊपर और उस बायोग्राफी का नाम था हुमायूं नामा. ये हो गई हमारी हुमायूं के बात. ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में बात. फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ. थैंक यू.